स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प मेला 8 से 10 अक्टूबर को जयपुर में आयोजित होने जा रहा है। इस आयोजन की जो सबसे बड़ी मुख्य विशेषता है वह महिलाओं को समर्पित है। महिलाएं उद्यमी जो हैं अपने अपने क्षेत्र में परंपरागत कार्यों में लगी हुई हैं, उनको यह मंच प्रदान किया जाएगा। आपको यहाँ पर बता दूँ कि देश के कई राज्यों से महिला उद्यमी इसमें शिरकत करेंगी और साथ ही वह अपने हुनर का, अपने कलाकृतियों का, अपने जो उद्योग धंधे हैं उनका यहाँ प्रदर्शन होगा। इस प्रदर्शन के अंदर उनको मंच देने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि वह एक बड़े बाजार के अंदर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकें, साथ ही वह अपने आप को एक बड़े बाजार से जोड़ भी सकें। इसके अंदर स्वयंसेवी संस्था के साथ साथ भारत सरकार की भी भागीदारी के साथ यह आयोजन होता है। इस आयोजन से बहुत सारे महिला उद्यमी को प्रेरणा मिलती है। देश दुनिया की खबरों के साथ मैं आरिफ जमाल, आप देख रहे हैं कुतुब मेल। प्रस्तुत है जयपुर से हमारे संवाददाता आशा पटेल की यह विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम सुनीता शर्मा है और मैं लघु उद्योग भारतीय महिला इकाई की प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग 8, 9, 10 अक्टूबर को जवाहर कला केंद्र जयपुर में स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन करने जा रहे हैं। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि स्वयं सिद्धा यानी कि महिलाएं अपने आप में स्वयं सिद्धा है और उनके सारे जो भी प्रोडक्ट वो बनाती हैं उनको हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। पैंडेमिक के बाद में ये पहला इतना बड़ा एग्जीबिशन होने जा रहा है। हमारी महिला उद्यमियों के लिए एक एग्जीबिशन होने जा रही है। संगठन के साथ सरकार का भी इसमें बहुत अच्छे सपोर्ट है। एमएसएमई डिपार्टमेंट, ईपीसीएच, स्किल डेवलपमेंट और सिडबी, काजरी, ये सभी संगठन हमारे साथ जुड़े हैं। इन सभी के ट्रेनिंग सेशंस होंगे। उसके दरमियान हम ये चाहते हैं जो महिला उद्यमी जो अपने बिजनेस को जहाँ तक ले आई हैं आगे ले जाने का भी रास्ता उनको दिखाया जाए अलग अलग ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स के दौरान। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के अखिल भारतीय संगठन लघु उद्योग भारती के जयपुर अंचल की महिला इकाई की ओर से 3 दिवसीय स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। महिला इकाई अध्यक्ष सुनीता शर्मा ने बताया कि जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में 8 से 10 अक्टूबर तक यह आयोजन किया जा रहा है। यह हस्तशिल्प प्रदर्शनी आम लोगों के लिए खुली रहेगी। प्रदर्शनी में राजस्थान समेत कुल 6 प्रदेशों की महिला उद्यमी अपने उत्पादों को शोकेस करेंगी। नेशनल एमएसएमई बोर्ड की सदस्य अंजू सिंह ने बताया कि प्रदेश में महिला उद्यमियों के उत्पादों को प्रदर्शित और प्रोत्साहित करने वाली इस हस्तशिल्प प्रदर्शनी को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ईपीसीएच, स्किल डेवलपमेंट, काजरी इंस्टीट्यूट जोधपुर और सिडबी की ओर से निशुल्क कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। राजस्थान सरकार का उद्योग विभाग भी कार्यक्रम में सहयोगी है। प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षणों में फैशन शो का आयोजन जिसमें आर्टिफिशियल सिल्वर ज्वेलरी प्रदर्शित की जाएगी, तो काजरी इंस्टीट्यूट के पोषण से भरपूर बाजरे के बिस्किट और कुरकुरे को बनाने का भी प्रदर्शन किया जाएगा। स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी में विविध घरेलू उत्पाद शामिल होंगे जिसमें आचार पापड़, मसाले, गृह सज्जा, हैंडीक्राफ्ट्स आइटम, पर्स जूतियां, इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड, ऑलिव टी, डिजाइनर सूट, साड़ी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ त्योहारी सीजन से जुड़े उत्पाद भी प्रदर्शित और बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। लघु उद्योग भारती के प्रदेश महासचिव महेंद्र खुराना ने इस अवसर पर बताया कि यह प्रदर्शनी B2B, B2C और B2G की तर्ज पर सभी व्यापारियों के लिए नई संभावनाएं उपलब्ध कराएंगी। स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2021 के ब्रोशर का भी इस अवसर पर लोकार्पण किया गया। ब्यूरो चीफ कुतुब मेल, जयपुर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.